कभी कभी बैठे बैठे बचपन के दिन याद आते हैं और मतलब जब याद आते हैं तो इतनी हंसी आती है और इतना भी बज दफ़ा गुस्सा भी आता है कि बिला वजह इतनी शरारतें इतनी ज़िद्द अपने माँ बाप के साथ करते थे ख़ासतौर पर जब हम बाज़ार जाते थे तो इतना तंग करते थे ज़िद्द लगा लेते थे और ख़ासतौर पर मुझे तो छोटे छोटे जो कलरफुल चूज़े होते थे ना मुझे बहुत पसंद थे लेकिन मैं उनको ले के आ तो जाती थी उसके बाद वो सर्दी से मर जाते थे या कोई ऐसे मसला हो जाता था क्योंकि वो मशीन से बड़े किए जाते थे तो मैं उन्हीं चूज़ों की खातिर अम्मी के साथ बाज़ार जाती थी कि मैंने आपके साथ जाना है ज़िद लगाती थी कि मैंने जाना है और जाना और थक भी जाती थी बाज़ार में और बहुत ज़्यादा तंग भी करती थी और तंग तंग इस वजह से करती थी कि मुझे चूज़ें नज़र नहीं आ रहे और जहाँ कहीं चूज़ें नज़र आते थे ना तो बस में लाजमी दो से तीन तो लाजमी ले कर आती थी डब्बे में लेकर आना उनको दाना खिलाना कभी क्या करना और कभी सर्दी से वो मर भी जाते थे तो कितना गिड़ और तंग करना वाल को हमारी वो ज़िद भी सुनते थे तो बस यही सोच के अब ये याद आता है कि जब हमारा कोई काम होता है या हमारे पे कोई मुश्किल परेशानी आती है तो हम नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं और बस बस कहते हैं कि जहाँ ये सोच लेते हैं कि हमने ये अपनी दुआ पूरी करके रहनी है और जहाँ कहीं हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हम नमाज की तरफ जाते ही नहीं हैं ना जबिल्ला और ना ही तस्बीह पढ़ते हैं बस अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं तो जब हम तक दुख तकलीफ़ में नमाज पढ़ते हैं तस्बीहात पढ़ते हैं तो हमें अपनी खुशियों में भी नमाज़ और तस्बीह लाजमी लाजमी पढ़नी चाहिए अल्लाह को याद करना चाहिए ना कि बस भूल जाएँ और बस अपनी ख़ुशियों में मगन हो जाए तो बस ऐसी ख़ास ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी जो कि मैं भी पढ़ती हूँ और मुझे बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं और माशाल्लाह पाँच वक्त की नमाज़ हम सब मुसलमान पढ़ते ही पढ़ते हैं लेकिन एक ख़ास पढ़ाइयाँ होती हैं और जो कि कुरान शरीफ से ही होती हैं पहले ज़माने के लोग जब बीमार होते थे कोई तकलीफ़ उन पर आती थी कोई परेशानी आती थी चाहे वो कैसी भी औलाद को लेके हो रोज़ी रिजक को लेके हो घर को लेके हो कुछ भी हो तो वो कुरान शरीफ से ही पढ़ाइयाँ निकाल के वो पढ़ते थे और उनकी पूरी भी होती थी ख़ास सी बात है कि हमारी इतनी अक़ीदे वाली और इतनी आ, पाक किताब है तो हम उसी से ही पढ़ाइयाँ निकालते हैं और पढ़ते हैं और हमारी वो दुआएँ कबूल भी होती हैं तो कुछ ऐसी दो तीन हैं जो मैं रोज़मर्रा में पढ़ती हूँ बल्कि डेली पढ़ती हूँ और वो इतनी इसकी तादाद भी नहीं है कम तादाद है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग कहेंगे कि भाई अपना एक्टिविटी तो दिखा रही हैं लेकिन जो ख़ास जो मेन पढ़ाई है वो कहीं जा एंड में बताएंगी नहीं भाई मैंने आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि हर एक का कीमती टाइम है और जैसे कि माशाल्लाह हर घर में सफाइयाँ हो रही हैं सुथराइयाँ हो रही हैं और बहुत कम टाइम रह गया माशाल्लाह माशाल्लाह और कल ईद है तो मैंने कहा क्यों ना अपने जितनी मेरी माँ बहने हैं मुझे देखने वाली हैं उनको अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग दिया जाए जिससे कि मुझे फ़ायदा होता है मैंने कहा क्यों ना मेरी माँ बहनें भी पढ़ें मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं अपनी रोज़ी को ले कोई भी परेशानी है चाहे वो औलाद से ले है घर को ले है अगर जॉब नहीं लग रही कोई मसला है तो आप ये पढ़ सकते हैं आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो गई इन अल्लाह ताली क़ीदे की है और क्यों नहीं पूरी होंगी जब अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ा के नमाज में रोएंगे उनसे फ़रियाद करेंगे तो क्यों ना वो हमें हमारी दुआ कबूल करेंगे जैसे कि माशाल्लाह से हमारे माँ बाप करते हैं और फिर तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह ताला हमें सत्तर माओ से ज़्यादा चाहते हैं प्यार करते हैं हम बस सरसरी तौर पर जैसे हम कहते हैं भाई नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी और बस वज़ू करके आगे जल्दी जल्दी धड़म धड़म सजदा करते हैं और नमाज़ पढ़ के अपना ये जा तो वो जा नहीं भाई आपने सुकून से तसल्ली से अपना नमाज़ पढ़ना है कुरान शरीफ़ की तलावत करनी है चाहे आप एक ही रुकू क्यों ना एक लाइन ही क्यों ना पढ़ लें लेकिन घर में कुरान शरीफ़ की तलावत करें तस्बियाँ पढ़ें नमाज़ पढ़ें इतना आपका टाइम नहीं लगेगा कहीं हम जाते हैं ज़ार बद बाज़ारों में जाते हैं शॉपिंग करते हैं दो दो तीन तीन घंटे फिरते रहते हैं टी वी देखते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं चार चार पाँच पाँच घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने पाँच से छः मिनट अपने लिए भी निकालने हैं यानी कि अपने लिए तो इसलिए कह रही हूँ कि जब आप अपने लिए निकालते हैं तो यही है नमाज है तस्वी है कुरान शरीफ़ है और यकीन जाने ये करने से ना आपके दमाग और दिल को जो सकून मिलेगा जो कि तसली आएगी आपके घर में रौनक बरकतें खुशियाँ आएंगी क्यों नहीं आएँगी माशाल्लाह आप सिर्फ और सिर्फ नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा हमें छः से सात मिनट लगते हैं और तस्वीर में हमें कितना टाइम लग जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दो से तीन मिनट लगेंगे इतनी कोई लम्बी चौड़ी तस्वीर भी नहीं है और आप कुरान शरीफ़ की जब सुबह उठते हैं थोड़ी सी तलावत भी करें ऊँची आवाज़ में सूरत रहमान लगाएँ पहले पिछले व्लाग में भी मैंने आपको बताया था सूरत रहमान ऊँची आवाज़ में लगाएँ और सूरत मंजिल आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं पढ़े तो आप उसको एल सी डी पर या मोबाइल पर लगाए ऊँची आवाज़ पर चारों कोनों में आपके घर में आवाज़ गूंजें और माशाला ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम करते हैं हमारे बड़े भी करते हैं और करनी भी चाहिए अगर आपको सुकून चाहिए दिल और दिमाग का तसली चाहिए रोज़ी के ख़जाने चाहिए तो लाजमी कीजिए तो बस आपको एक छोटी सी मैं तस्वीर बताती हूँ आपने या वहाबों पढ़ना है ठीक है आपने सौ टाइम पढ़ना है हंड्रेड टाइम आपने पढ़ना है या वहाबों डेली पढ़ना अब आप कौन से काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि भई कितने टाइम पढ़ना है किस टाइम पढ़ना है भाई किसी भी टाइम आप या वहाबो अव्ल आखिर आपने तीन तीन बार दुरू पढ़ना है ग्यारह दफ़ा पढ़ लें सात बार पढ़ लें ठीक है आपने तस्वीर पढ़नी है या वहाबो की और बस एक दिल में नीयत रखनी है कि कोई भी आपको परेशानी है तो आपने लाजमी पढ़ना है डेली पढ़ना है यकीन जाने ये पढ़ने से आपको खुद ही जानिए दिनों में पता चल जाएगा और आपको इतना कोई दिमागी दीदी सुकून भी साथ के साथ मिलेगा कोई परेशानी है कोई टेंशन है कोई भी बात है वो आपने जहन में रखनी है कि मेरे मेरी ये परेशानी दूर हो जाए और आपने बिला नागा पढ़नी है यकीन जाने या मुजीबो भी आपने पढ़नी है दूसरा यह अल्लाह का नाम है या मुजीबो ये भी आपने पढ़ना है अब आखिर तीन तीन बार दूर शेप पढ़ना है ठीक है ये दोनों आपने अल्लाह के नाम पढ़ने हैं डेली पढ़ना है तो यकीन जाने जब आप ये पढ़ेंगे पूरा महीना अब आप, आप कहें कि भाई एक दो दिन पढ़ें तो बस आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए देखिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको पूरा महीना मेहनत करनी पड़ती है अपने खून पसीना बहाना पड़ता है कहीं जाके आपको सैलरी मिलती है भाई अगर आप महीना पढ़ेंगे ना कहीं जाके आपको माशा इतने तोहफे अल्लाह की तरफ से मिलेंगी इतनी कोई सुकून मिलेगा रोज़ी के ख़जाने खुल जाएंगे बरकतें मिलेंगी और आपको क्या चाहिए बस अपने लिए ये टाइम निकालें ज़ाहिर बात है ये हम अपने ही लिए टाइम निकाल रहे हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हमारे सारे काम खुश असलूबी से पेश आएँ तो बस मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों को आज ये पढ़ाई दी जाए जो कि मैं खुद पढ़ती हूँ हमारे बड़े भी पढ़ते हैं और मुझे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी मिले हैं तो बस आपने क्या करना है जब आप ये करें तो मुझे भी आपने दुआ मेरा याद रखना है और प्लीज़ अगर कहीं से भी छोटा सा आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और अपनी बहन बेटी को ढेर सारा प्यार दिखाना आपकी तरफ से हमें हौसला अफज़ाई होती है प्यार होता है छोटा सा गिफ्ट होता है तो बस यहाँ मैं माशाल्लाह से मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और मैं सूरत फतेह भी पढ़ी है सूरत रहमान सूरत मजम्मिल दरुद ताज ये मैं लाजमी लाजमी पढ़ती हूँ ठीक है जी और उसके बाद मैं फिर तस्वीर पढ़ती हूँ अस्तफ़ार की पढ़ती हूँ दुरूशरीफ की पढ़ती हूँ और ये दो दो तस्बियाँ मैंने आप लोगों को बताई ये भी पढ़ती हूँ डेली पढ़ती हूँ और माशाल्लाह मुझे इतना सुकून मिलता है ना आप भी पढ़ें अपनी अलिय आसानियाँ ख़ुद पैदा करें हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी अलिय आसानियाँ कैसे पैदा करें कोई आपको नहीं कहेगा कोई आपको प्लेट में रख के नहीं देगा कि आप ये कर लें वो कर लें आपको खुद अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी अपने बच्चों के लिए अपने शोर के लिए अपने माँ बाप के लिए अपने घर के लिए तो कहीं जा आ, के आपको कहते हैं ना हिले का वसीला हरकत में बरकत है तो आपको मिलेगा तो माशाल्लाह से देखें हमारा वेड़ा कैसे है मैंने जगह इसकी धो के साफ़ सुथरी करके उसके बाद कपड़े भी धोए थे बस ये भी सूख गए ये भी उतारूँगी और बस अपना माशाला से मगरब की नमाज़ भी अदा कर ली थी और अंधेरा होता चला जा रहा है और इतनी हफ्स इतनी गर्मी है ना कि बस अल्लाह ताली खैर व आफियत के साथ खुशियों के साथ ईद गुजारे आमीन सुमामी तो इजाज़त चाहती हूँ ओके जी अल्लाह हाफिज़